हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बिरयानी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसमें जिसे मिस कर देने से बिरयानी हमारी बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखें आप चलिए अब हम देख लेते हैं कि बिरयानी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर मैंने ले ली कुछ गरम मसाले जिसमें दो तेज़ पत्ता है चार हरी इलायची है दो बड़ी इलायची है जिसे काली इलायची भी कहते हैं एक मैंने ली है यहाँ पर जावित्री सिर्फ एक पीस जावित्री ली है मैंने एक चौथाई भाग मैंने जायफल का लिया है एक टी स्पून मैंने लिया है शाही जीरा एक टी स्पून मैंने ले लिया है यहाँ पर सौंफ एक टी स्पून लिया है मैंने काली मिर्च के दाने लौंग ले लि... यहाँ पर सॉरी स्टार एनीज लिया है मैंने हाफ आधा तोड़ लिया है और लौंग लिए हैं छः सात दो दाल चीनी ली है इन सभी का हमें एक अच्छा सा स्मूथ सा पाउडर तैयार कर लेना है ग्राइंडर जार में डाल के मैं इसे पीस लूँगी अरे फाइन पाउडर जो है वो तैयार कर लेंगे इसका मैंने पीस लिया है और इसे मैंने एक स्ट्रेनर में डाल कर रख दिया है ताकि जो भी थोड़ा बहुत इसमें कोई सॉलिड पार्ट हो तो वो स्ट्रेनर में छन जाए इस तरह से रह जाए ऊपर की तरफ और महीन पाउडर निकल जाए छन कर ये देखिए मैंने निकाल लिया है इसका महीन पाउडर सॉलिड पार्ट जो रह जाए गरम मसालों का आप दोबारा जब कोई चीज़ बनाए तो उसमें इस्तेमाल कर लें यहाँ पर मैंने एक पैन में चढ़ा दिया है एक पैन चढ़ा दिया इसमें मैंने डाल दिया थ्री टेबल स्पून कुकिंग ऑयल अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं दो टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पर अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट अब मैं इसे डाल दूंगी लो फ्लेम पर मैं इसे एक मिनट पका लूँगी फ्लेम को लो ही रखना है मीडियम हाई बिल्कुल ना रखें लो फ्लेम पर ही सिर्फ एक मिनट हम इसे पकाएंगे इसके बाद में इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करूंगी वो मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पर मैंने ले लिया है एक टीस्पून भरकर मैंने लिया है रेड चिली पाउडर एक टीस्पून ही ले लिया है मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर दो टीस्पून ले लिया है मैंने धनिया पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और सॉल्ट स्वाद के हिसाब से ले लिया है ये सब डाल दूँगी मैं इसमें इसे भी मिक्स कर देते हैं इसे भी हम कुछ सेकेंड्स पका लेंगे थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ पानी एकदम हल्का सा डाल रही हूँ क्योंकि स्पाइसेस जो हैं वो ड्राई हैं इसलिए अच्छे से जो है वो भुन नहीं पाएंगे फ्यू सेकेंड्स जो है हमें इसे पकाना है लो फ्लेम ही रखेंगे हम यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला जो हमने थोड़ी देर पहले पीस कर तैयार किया है गरम मसालों को इसमें से मैं डाल दूंगी और नाइन्टी परसेंट के करीब और थोड़ा सा बचा कर रख लूँगी जब हम बिरयानी को दम पर लगाएंगे बिरयानी को दम लगाते समय हम इस मसाले की ज़रूरत पड़ेगी हमें तो नाइन्टी परसेंट मैंने डाल दिया है बिरयानी मसाला और टेन परसेंट रख दिया है बिरयानी को दम देते वक्त उस वक्त ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे इसे थोड़ा सा पानी मैं फिर से ऐड कर दे रही हूँ कुछ सेकेंड्स पक गए हैं ये अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थ्री टेबल स्पून मैंने दही लिया है इसे अच्छी तरह से बीट करके स्मूथ कर लिया है इसी भी डाल देंगे थर्टी सेकेंड्स इसे भी पका लेंगे अब फ्लेम को हमें लो ही रखना है मैंने एक बार भी फ्लेम को मीडियम या हाई नहीं किया है मैंने जितना भी काम किया है वो सब लो फ्लेम पर ही किया है इसलिए आप भी लो फ्लेम पर ही क्योंकि इस मसालों का हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है यहाँ पर मैंने ले लिया है अनियंस को ब्राउन करके ये मैंने पहले से तैयार करके रख लिया था समय की बचत करने के लिए आपने अगर पहले से करके नहीं रखा हो इसे तो आप सबसे पहले चिकन का मसाला तैयार करने से पहले इसे सबसे पहले ब्राउन करके प्याज को चार बड़ी प्याज ले लीजिएगा और उसे ब्राउन करके निकाल लीजिएगा सारा प्याज़ मैं अभी इसमें नहीं डालूंगी। चार प्याज़ को मैंने ब्राउन किया था इसलिए करीब करीब तीन प्याज़ का जो है तीन प्याज़ के करीब करीब जो ब्राउन अनियन है वो मैं डाल दूंगी। और इसमें से थोड़ा सा बचा कर रख लूँगी बिरयानी को जब हम दम पर लगाएंगे उस वक्त हम इसे यूज़ करेंगे थोड़ा सा इसे भी पका लेते कुछ सेकेंड्स अब हमें मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है मैंने गैस को ऑफ कर दिया है इन मसालों को दस मिनट ठंडा हो जाने देते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है एक केजी चिकन अच्छी तरह से धोकर इसे साफ़ कर लिया है और एक स्ट्रेनर में डालकर रख लिया था ताकि इसका सारा पानी छन जाए क्योंकि हमें इसे मैरिनेट करना है और मैरिनेशन के वक्त जो है वो चिकन में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए मसाला ठंडा हो चुका है दस मिनट से ज़्यादा हो गया है पूरी तरह से ठंडा हो गया है मसाला अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी सारे चिकन को इसमें डाल देना है और मसालों से चिकन को अच्छी तरह से कोट कर देना है अच्छी तरह से चिकन और मसालों को मिक्स कर दें अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी जिसमें लिया है मैंने एक नींबू का रस मैंने छोटी नींबू का रस लिया है अगर आप बड़ा नींबू ले रहे हैं तो आप आधा नींबू का रस इस्तेमाल करें दो तीन हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया है बीच से थोड़ी सी धनिया की पत्ती ले ली है इन सभी को चिकन में मिला देंगे से मिक्स कर देंगे अच्छे से अब इस चिकन को हमें मेरीनेट होने के लिए रख देना है मिनिमम हमें एक घंटा रखना है इसे अगर आपको जल्दबाजी और आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम इसे एक घंटा रखें और अगर आपके पास समय है तो आप इसे दस पंद्रह घंटे रख के नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं या चार पाँच घंटे रख सकते हैं लेकिन मिनिमम एक घंटा हमें मैरिनेट होने के लिए इसे रखना है मेरे पास समय है इसलिए मैं इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके फ्रिज में आठ से दस घंटे के लिए डाल दे रही हूँ दूसरे बर्तन में मैंने शिफ्ट कर दिया है अब मैं इसे कवर करके और फ्रिज में रख दूँगी दस घंटों के लिए फिर उसके बाद इसका यूज करूंगी चिकन हमारा दस घंटे रेस्ट कर चुका है अब इसके आगे की तैयारी करते हैं यहाँ पर मैंने वापस से चिकन को पैन में डाल दिया है फ्लेम को मैंने लो ही रखा है सिर्फ़ पाँच मिनट हमें कवर करके इसे पकाना है चिकन को सिर्फ पाँच मिनट ताकि चिकन अंदर तक अच्छी तरीके से गर्म हो जाए हमें इसे कुक नहीं करना है सिर्फ पाँच मिनट के लिए हम इसे पका रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए बंद कर दिया है मैंने इसे पाँच मिनट हो चुके थे यहाँ पर मैंने एक बड़े बर्तन में पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है क्योंकि हमें बिरयानी के लिए राइस बॉईल करना है इसमें मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ कुछ गरम मसाले कुछ काली मिर्च के दाने हैं पंद्रह बीस दो तेज पत्ता लिया है मैंने तीन हरी इलायची है चार लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा इन सभी को पानी में डाल देते हैं ताकि इनका इनका अच्छा फ्लेवर जो है वो पानी में आ जाए यहाँ पर मैं पानी में डाल रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा ही डालना है बहुत ज़्यादा नहीं अब मैं यहाँ पर सॉल्ट डाल दे रही हूँ सॉल्ट हमें पानी में इतना डालना है कि पानी हमें थोड़ा सा तेज़ नमकीन लगना चाहिए तभी जब हम इसमें चावल पकाएंगे तो चावलों में नमक आएगा नहीं तो अगर हम पानी में बहुत कम नमक डालेंगे तो चावल हमारे बिल्कुल ही फीके लगेंगे इसलिए हमें पानी में अच्छा नमक डालना है अच्छी क्वांटिटी में ताकि हल्का तेज़ नमकीन जब आप पानी आप पानी को थोड़ा सा टेस्ट करके चेक कर लें कि पानी सॉल्टी है कि नहीं मैं यहाँ बासमती राइस 550 सौ पचास ग्राम यूज़ कर रही हूँ इसे मैंने चालीस मिनट जो है सोक करके रख दिया था पकाने से पहले कम से कम चालीस मिनट बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं तो उसे सोख करके रखें अब सिर्फ फाइव मिनट्स जो है हमें हाई फ्लेम पर चावलों को पका लेना है उससे ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे चावल सिर्फ फिफ्टी परसेंट ही चावल जो है वो पकने चाहिए इसलिए सिर्फ पाँच मिनट हाई फ्लेम पर इसे पकाए मैं आपको दिखाती हूँ चावल किस तरह का होना चाहिए ये देखिए इस तरह से छूने से बीच से जो है वो टूट जाना चाहिए चावल यानी चावल हमारा फिफ्टी परसेंट पक चुका है और इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है चावल पकाते समय हमें बहुत ध्यान रखना है समय का पाँच मिनट से थोड़ा सा भी समय ज़्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो चावल हमारे अगर ख़राब हो गए हैं तो हमारी चिकन बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी हमारी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी चावल का पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है एक, एक स्ट्रेनर में डाल के और यहाँ पर ले लिया है एक बड़ा पतीला जिसमें हम चिकन बिरयानी को दम लगाएंगे मैंने ले लिया है यहाँ पर घी और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी मैंने इसमें मिला लिया है आप अगर चाहें सिर्फ रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ घी का इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ तो थोड़ा रिफ़ाइंड ऑयल या घी मैंने डाल दिया उसके तले में ताकि हमारी चिकन जो है वो पकते वक्त नीचे से सटे नहीं और ड्राई नहीं हो अच्छे से तले में फैला देंगे चिकन को यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चार मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे और उसे आधा आधा कर दिया था बहुत छोटा टुकड़ा नहीं करना है आलू का आलू को मैंने कश्मीरी लाल मिर्च हल्दी और नमक देकर फिफ्टी परसेंट इसे लो फ्लेम पर फ्राई करते हुए कुक कर लिया था अब बाकी के फिफ्टी परसेंट जो हैं चावलों के साथ आलू पक जाएंगे इसे भी चिकन के साथ इस तरह से नीचे लगा देते हैं यहाँ पर मैंने दूध में एक कप दूध में मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है इसे मैं दो टेबल स्पून डाल दे रही हूँ इसके ऊपर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ केवड़ा वाटर केवड़ा वाटर मैं दो टी, दो टी स्पून डालूँगी अभी इसमें अगर आप केवड़ा एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ़ दो से तीन ड्रॉप ही आप यूज़ कीजिएगा केवड़ा एसेंस का बहुत स्ट्रांग फ्लेवर होता है और केवड़ा वाटर जो होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है इसलिए उसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है अब यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा घी डाल दूँगी ऊपर से दो टीस्पून की के करीब जो मैंने बचा कर रखे थे ब्राउन किए थे थोड़ा सा ऐड किया था चिकन का मसाला जब तैयार कर रहे थे तब थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे यहाँ पर मैंने लिए धनिया की पत्ती और हरी मिर्चें जो हैं तीन चार इस तरह से बीच से इन्हें कट कर लिया है थोड़ा थोड़ा इन्हें भी डाल देते हैं बिरयानी मसाला जो बचा कर रखा था थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं अच्छी खुशबू आती है इससे अब मैं चावल डाल दूंगी इसमें आधा चावल मैं डाल रही हूं अभी अब इसके ऊपर फिर से घी डाल देंगे सेम चीज रिपीट करेंगे जो हमने अभी किया है वन टेबल स्पून की करीबी इसके ऊपर मैंने घी डाल दिया है फिर से डाल देंगे ऊपर से येलो फूड कलर अनियंस डाल देंगे थोड़ा हरा धनिया थोड़ी सी हरी मिर्च थोड़ा सा फिर से बिरयानी मसाला ये सारे स्टेप करना जरूरी है बिरयानी बनाते समय ये नहीं करने से हमारी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी खुशबूदार नहीं बनेगी बाकी बचा हुआ चावल जो है मैंने डाल दिया है इसके ऊपर अब वापस से बाकी बची हुई घी जो है मैं इसमें डाल दे रही हूँ घी मैंने करीब करीब 100 ग्राम से 120 130 ग्राम के करीब मैंने यूज़ किया है फूड कलर डाल देंगे जो हमने दूध में घोल कर रखा है थोड़ा सा केवड़ा वाटर फिर से दो टीस्पून के करीब ऊपर से डाल देंगे ध्यान रहे केवड़ा एसेंस अगर हम डालेंगे तो एक दो ड्रॉप डालना है हमें प्याज जो बची हुई ये भी डाल देते हैं पूरा धनिया की पत्ती हरी मिर्च सभी डाल देते हैं अब बची हुई जो मस, ये बिरयानी मसाला है वो भी डाल देते हैं इसके ऊपर यहाँ पर मैं डालूँगी एक नींबू का रस मैंने छोटा नींबू का रस इस्तेमाल किया है बड़ा नींबू लीजिएगा तो आधा ही इस्तेमाल कीजिएगा उसका रस अब कवर कर देंगे इसे और फाइव मिनट्स फुल फ्लेम पर हमें इसे पकाना है ऊपर से मैंने वेट दे दिया है ताकि अंदर हीट कलेक्ट हो सके एक तरफ मैंने तवा चढ़ा दिया है इसे भी फाइव मिनट्स मैं गरम कर लूँगी फाइव मिनट्स एक तरफ मैंने पतीला चढ़ाया है और फाइव मिनट्स के लिए मैंने तवा चढ़ा दिया है दोनों को पाँच मिनट तक फुल फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेना है अब मैंने तवा हटा दिया है चूल्हे पर से और पतीले के नीचे ही मैंने तवा रख दिया है पतीले को जिसमें हम बिरयानी को दम दे रहे हैं उसे डायरेक्ट हम चूल्हे पर नहीं रखेंगे पहले तवा रखेंगे उसके बाद हम उसके ऊपर पतीला रखेंगे और हमें थर्टी मिनट्स जो है लो टू मीडियम के बीच में रख के हमें दम देना है बिरयानी को ऊपर से कोई वेट या फिर अलूमिनियम फॉयल से पतीले को आप कवर कर सकते हैं ताकि स्टीम ना निकले बाहर और हीट अंदर रहे थर्टी मिनट्स हो चुके हैं लो टू मीडियम के बीच मैंने सिर्फ थर्टी मिनट्स रखा है इससे ज़्यादा नहीं रखना है नहीं तो चावल जो है ओवर कुक हो जाएगी और बिरयानी बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें लो टू मीडियम के बीच सिर्फ थर्टी मिनट्स ही हम तवे पर रख कर इसे पकाएंगे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और चावल बहुत खिले खिले बने हैं मैं आपको इसे एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ मैंने एक प्लेट ले लिया अब मैं इसे इसका निकाल कर दिखाती हूँ आपको देखिए चावल एकदम खिले खिले बने हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सारी चीजें जो हैं राइस और ये पोटैटो चिकन सब कुछ जो है अच्छे तरीके से गल गया है मैं आपको दिखाती हूँ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से हैं जो राइस पक चुकी है और कितने खिले खिले बने हैं चावल आलू भी अच्छी तरीके से गल चुका है चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से गल गई है आप भी ये चिकन बिरयानी बनाइए लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर एक स्टेप जो है हमें फॉलो करना ज़रूरी है चिकन बिरयानी बनाने के लिए आपको कैसी लगी ये बिरयानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई करके देखिएगा एक नई रेसिपी लेकर फिर आपके सामने आऊंगी तब तक के लिए बाय अल्लाह हाफिज़